आ रहे हैं। बड़ी खबर, डूंगरपुर से दो दिन पहले धरना स्थल पर पहुंचे थे बीटीपी एमएलए राजकुमार चुहा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डूंगरपुर मामला है, डूंगरपुर में एनएच8 पर उपद्रव मामला आया सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। दो दिन पहले धरना स्थल पर पहुंचे थे बीटीपी एमएलए राजकुमार, वायरल वीडियो में उपद्रवियों का साथ देने की बात कह रहे हैं। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वीडियो में सरकार और प्रशासन को दे रहे हैं चुनौती एमएलए राजकुमार का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। डूंगरपुर में एनएच8 पर उपद्रव मामला आया सामने। मैं यहाँ पर पहुंचा और उन लड़कों को समझाने के लिए, महिला को समझाने के लिए कि हमें ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही प्रशासन को भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग बैठे हैं, अगर कोविड की बात करें तो शहर से कई दूर पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर न कोई कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और न ही कोई राजकार्य में बाधा है, ऐसा कोई काम कर रहे हैं। ये लोग अपनी मांग को मनाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं। अगर प्रशासन जबरदस्ती उनको उतारता है और उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो पूरे आदिवासी इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये जो छात्र है उनके साथ कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हम उन बच्चों को आश्वस्त करके जा रहे हैं कि एक दो दिन में इनका जो भी है निस्तारण करवाएंगे, लेकिन प्रशासन से गुजारिश है कि जबरदस्ती उनको उतारने की कोशिश नहीं करे। अगर जबरदस्ती उतारते हैं, किसी के साथ अन्याय होता है तो हमें खुल के उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा और पूरे आदिवासी इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रताप सिंह राठौड़ जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, अगर हम बात करें तो लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें बीटीपी एमएलए की, तो ये तो यहाँ पर पहुंचे और लगातार सरकार का विरोध करने लगे। सबसे एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इस तरह के मामलों में जनप्रतिनिधियों की देखी जाती है कि किस तरीके से मामले में समझाई स्तर मामले का सुलटारा जो है वो किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विधायक जो है, ये डूंगरपुर की 84 विधानसभा के विधायक हैं राजकुमार, और भारतीय ट्राइबल पार्टी से ये जीत कर आए हैं और किस तरीके से ये अपनी सियासत इसमें तेज कर रहे हैं, आग में घी डालने का प्रयास जो है वो इनकी ओर से किया जा रहा है। दो दिन पहले जब ये वहां पर अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे तो किस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी जो उनका वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं लोगों को समझाइश करने के बजाय सरकार पर दबाव डालने का ज्यादा है। प्रशासन को चुनौती जो है वो पूरी तरीके से दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब इसमें सियासत भी लगातार जो है वो तेज हो रही है और जिस ढंग से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है उसको कहीं ना कहीं संभवतः इस आंदोलन से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए कि दो दिन पहले इनका मूवमेंट जो है उस इलाके में होता है, ये उन अभ्यर्थियों से जाकर मिलते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई करते हैं। शायद यही वजह रही है कि कल ये लोग जो है वो सड़कों पर उतर गए, क्योंकि इनको पता था कि हमारे पीछे जो है वो विधायक जी खुद हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, और ऐसे में जब तक ये हमारे साथ है तब तक हम आराम से हुड़दंग जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है कि एक जनप्रतिनिधि जो है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करके और उसको सुलटाने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर तस्वीर जो है वो उल्टी है। सचिन, यहाँ पर ये लोग जो है वो किस तरीके से अपनी सियासत को मजबूत कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह की जुगत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसे हम बात करें नुकसान की, तो यहाँ पर कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कितनों का नुकसान हुआ है, खबर ये भी सामने आ रही है कि आसपास एक होटल था उस पर भी नुकसान जो है वो पहुंचा है। देखिए, सरकारी संपत्तियों को लगातार ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं और साथ ही जाम में फंसी हुई जो गाड़ियां है, कंटेनर है, ट्रक है, उनका जो सामान है उनको इन लोगों ने लूट लिया है, उनमें आगजनी जो है वो कर दी है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, 1.5 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लगातार नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान ये लोग पहुंचाते हुए जा रहे हैं। अभी तक फिलहाल समझाइश का दौर जो है वो शुरू नहीं हुआ है, वार्ता का दौर शुरू नहीं हुआ है और बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो मौके पर है, अतिरिक्त जाप्ता जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो मंगा लिया गया है। आज का दिन सचिन काफी महत्वपूर्ण जो है वो इस विषय में रहने वाला है, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी तरह की समझाइश, किसी तरह की सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत